हमारी टीम आज तक आज यहाँ पर इसीलिए मौजूद है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही साबित होते हैं तो आने वाले 100-125 दिनों तक क्या रूपरेखा होगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा। हमारे साथ विक्रांत गुप्ता है, अंजना ओम कश्यप है, गौरव सावंत है, नेहा बाथम है, सईद अंसारी है, सुधीर चौधरी है, चित्रा त्रिपाठी है, सिद्धार्थ जरावी है और साथ में अर्पिता आर्या है। अब आज तक पर आप देखते होंगे कि हम सब कवर सब कुछ करते हैं, एक्सपर्टीज भी हमारा एक क्षेत्र में रहता है, लेकिन अगर एग्जिट पोल यानी एग्जिट पोल के नतीजे जो हमारे सामने आए हैं और अब जो मतगणना कल होनी है उसके बीच में जो आज का दिन है वो भी बेहद निर्णायक है। अब आज तक कोई दिए इंटरव्यू में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं आपको एक स्पष्ट खबर देता हूं, 100 नहीं 125 दिन का प्लान है। अंजना का वो सवाल था और 125 दिनों की प्लानिंग पूरी प्रधानमंत्री ने कर रखी। बिल्कुल श्वेता, देखिए प्रधानमंत्री ने युवाओं पर खास तौर पर उन्होंने चर्चा की थी मेरे सवाल के जवाब में, लेकिन चूंकि हम लोग मोदी 3.0 की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा राइडर इसमें यही है कि अभी एग्जिट पोल के अनुमान पर हम ये पूरा शो कर रहे हैं, अभी नतीजों का इंतजार करना होगा, अनुमान अनुमान होते हैं। हाँ, एग्जिट पोल हमारा एग्जैक्ट पोल हुआ है इसीलिए हमेशा 94% एक्यूरेसी के साथ इसलिए हम ये शो कर रहे हैं। श्वेता देखिए, सबसे दिलचस्प बात, प्रधानमंत्री ने युवाओं पर जोर दिया लेकिन आपके एक सवाल पर दिया हुआ जवाब मुझे लगता है 100 दिनों में उनकी प्राथमिक होगी। आपने जब उनसे पूछा था कि क्या बड़े फैसले भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, तो उन्होंने कहा था मैं सोचता हूं कि जनता के पैसे उनको वापस लौटा दूं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की मोदी 3.0 में सबसे बड़ी प्राथमिकता, शायद उन्होंने जिक्र भी किया कि अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो कितने पैसे इकट्ठा कर रही है, जब वो जब्त कर रही है पैसे को, तो उन्होंने कहा कि सोचता हूं जनता को वापस लौटाऊं। और उन्होंने कहा कि जमीन के पतले नौकरी वाला जो घोटाला है बिहार का, उन्होंने जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि वहां पर देखिए जमीन लिया जा रहा है और बाकायदा नाम भी दिया कि अगर किसी शख्स की जमीन ये तय हो जाए कि इस व्यक्ति ने नौकरी देने के एवज में घूस में रिश्वत में ये जमीन दी थी जो कि उसकी खुद की जमीन है, तो वो जमीन हम उसको वापस कर देंगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही लोकप्रिय, अगर ऐसा फैसला वो लेते हैं तो ये शायद उनका सबसे लोकप्रिय और बड़ा फैसला मेरी नजर में होगा, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, समान आचार संहिता, माफ कीजिएगा, जो यूसीसी की बात वो करते रहे हैं उनके उसमें भी है वो, लेकिन स्टेट्स में लागू हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला फैसला जो आपके सवाल के जवाब में था वो सबसे लोकप्रिय और बड़ी चीज होगी। कन्याकुमारी से लौटते हुए भी एक पूरा दस्तावेज तैयार कर लिया सुधीर, वो दस्तावेज मैं लेकर आया हूँ। देखिए, हम ये बात क्यों कर रहे हैं आज श्वेता, ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी ये मान ही लिया है कि वो तीसरे टर्म में आ रहे हैं और कन्याकुमारी से लौटते हुए जो उन्होंने लिखा है अपने इस पत्र में, जो उन्होंने देश के लोगों के नाम लिखा है, उसमें एक्चुअली उन्होंने अपना पूरा रोड मैप बताया है। लेकिन आज देखिए चर्चा किस चीज़ की चल रही है, देश में लोग ऐसा कह रहे हैं कि आते ही वो क्या कहेंगे। तो 2014 में जब वो आए थे तो उन्होंने सबका साथ ये कहा था, फिर 2019 में उन्होंने सबका विकास, अब लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार सबका हिसाब करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो जो रहेगी, जो कि विपक्षी नेताओं को थोड़ा सा अस्थिर कर सकती है, चिंता में डाल सकती है, वो ये कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी ये मुहिम है, ये अब मुझे लगता है और ज़्यादा तेज़ होगी, ये और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जो अंजना ने बता ही दी हैं, वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह, लेकिन जो पुरानी व्यवस्था है, अगर हम लार्जर पिक्चर की बात करें तो मुझे लगता है जो पुरानी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जो रह गई थी वो टूटेंगी। देखिए, जब पहले टर्म में कोई प्रधानमंत्री आता है तो उसको लगता है मैं किराए के घर में आया हूँ, अगली बार पता नहीं रहूँ या ना रहूँ, तो वो छोटे चेंजेस करता है। फिर जब दूसरा टर्म मिलता है तो उसको लगता है कि नहीं, अब ये मकान में थोड़ा, अब ऐसा लगता है कि ये मकान मैंने ले लिया है, इसमें मुझे समय मिलेगा। लेकिन जब तीसरे टर्म में कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस अपने तीसरे टर्म में स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देती है उस मकान में, क्योंकि उसके पास इतना विश्वास होता है, उसके पास इतना ज़बरदस्त मैंडेट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आपको देश में हमारी व्यवस्था में, मैं यहाँ संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ, संविधान को हटा दीजिए, लेकिन हमारी व्यवस्था में इस बार आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे, बड़े जो बदलाव हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर आप उसके अंदर थीम में जाएं तो एक बहुत बड़ा थीम होगा अनुशासन, दूसरा होगा लेवल प्लेइंग फील्ड, ये जो धर्म के आधार पर या जो अभी तक जितनी राजनीति चल रही थी, अब उनकी कोशिश होगी कि अगले 5 साल में सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए और अनुशासन, खास तौर पर इकोनॉमिक डिसिप्लिन पर उनका बहुत ज्यादा ध्यान रहने वाला है। और आने वाले 5 सालों में ब्रांड भारत ये और ज्यादा चमकेगा और हमारा जो अपना अंदाज है, यानी जो हमें दूसरों से विरासत में मिला है पश्चिमी देशों से, उसको छोड़कर हम अपने तरीके से कैसे अपने देश का विकास कर सकते हैं, ये बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन जा सकता है जिसका वो वादा कर चुके हैं, वक्फ बोर्ड जैसे एक्ट हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे जो एक्ट है,
ये सारे जो हैं ये जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो भी इसी टर्म में होगा और उस पर भी एक बहुत बड़ा, तो हमारे देश में जो अगली बार जब हम चुनाव कवर करेंगे तो शायद वो चुनाव ऐसे नहीं होंगे जैसे कि इस बार हमने किए हैं। और वो इसलिए होगा, देखिए ना, सब विपक्ष तो यही कह रहा है चित्रा कि माइंड गेम चल रहा है, माइंड गेम खेल रहे हैं प्रधानमंत्री कि इतनी सारी बैठकें हो रही हैं, पर इतनी सारी बैठकें हो रही हैं मतलब कुछ काम के लिए हो रही हैं आगे। श्वेता, आप तो कन्याकुमारी से वो पूरी कवरेज करके आ रही हैं जिसको लेकर विपक्ष ने पूरा सवाल खड़े किए थे, वो इतर बात है, लेकिन यकीनन एक के बाद एक बैठकें जिस तरह से नरेंद्र मोदी की ओर से आयोजित की जा रही हैं, अगले 100 से 125 दिनों का ये पूरा का पूरा प्लान है। देखिए 2019 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो 100 दिनों के अंदर किस तरह से अनुच्छेद 370 को लागू कर दिया जाता है, 5 अगस्त 2019 की ये वो तारीख थी। उसके बाद राम मंदिर हमने देखा इसी साल के जनवरी महीने में 22 तारीख को, ये जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हमेशा हिस्सा हुआ करता था, जब मजबूती से नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आते हैं तो फिर राम मंदिर का भव्य निर्माण होता है और उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अब जो तीसरा बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का, श्वेता उस दिन आप एंकरिंग कर रही थी और मैं रिपोर्टिंग कर रही थी संकल्प पत्र से जब जारी किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो उस दिन भी हमने देखा था कैसे यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बातें कही गई और समान नागरिक संहिता को लेकर यकीनन मोदी सरकार सत्ता में आती है अगर तो एग्जिट पोल के आंकड़े वही बता रहे हैं, प्रधानमंत्री भी पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं जिस तरह से उन्होंने लगातार परिश्रम किया है जो बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है, तो यूसीसी को तत्काल लागू किया जाएगा इसमें किंतु परंतु की कोई भी अब गुंजाइश नहीं बची हुई है। आपको बताते चले उत्तराखंड सरकार ने पहले ही लागू कर दिया है इसको, भारतीय जनता पार्टी ने एक होता ना कि हम ट्राई करके देख लें कि इस राज्य में होता है तो विरोध का कितना सामना हमको करना पड़ता है, वहां पर जब इसको लागू किया गया तो विरोधी दल उस तरह से मुखर नहीं हो पाए जिसकी उम्मीद या जिसकी आशंका भारतीय जनता पार्टी को थी, तो यह 100% तय है कि आते ही 100 दिन 125 दिनों में यूसीसी को देशभर में यानी कि समान नागरिक संहिता हर एक के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र जिस दिन जारी किया गया था उसी दिन इन बातों को कहा गया था। दो तीन और बातें जिसको मैं उठाना चाहूंगी, देखिए 70 साल के जो बुजुर्ग हैं चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, गरीब हों, मध्यम वर्ग हों या फिर धनी परिवार के हों, सभी को आयुष्मान भारत योजना के तहत लेकर आया जाएगा और उनको 5 लाख रुपए तक की फ्री जो सहूलियत है इलाज की वो दी जाएगी, इसको लागू करना अब अनिवार्य होगा जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर को गांव गांव तक और कैसे पहुंचाया जाए, 60,000 नए गांवों को सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया गया है, पक्की सड़कें बनाई गई हैं उसको और ज्यादा विस्तार दिए जाने की यहां पर बीजेपी की ओर से कोशिश होगी, विरासत और विकास को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश होगी, लेकिन सबसे ज्यादा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है श्वेता वो है यूसीसी जिसको आगे आने वाले 100 दिन या 125 दिनों के भीतर 100% बीजेपी लागू करेगी, इसमें अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कहीं भी किंतु परंतु की कोई गुंजाइश बची हुई है। नेहा, सबसे ज्यादा घेरा गया भ्रष्टाचार, माफ कीजिएगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर, तो ये सारी चीजें एजेंडा पे दो ही अहम पॉइंट्स हैं श्वेता जिस पर विपक्ष ने लगातार घिरा, वो था महंगाई और बेरोजगारी। लगातार हमने आरजेडी को भी सुना, तेजस्वी यादव मुखर होकर बोलते रहे कि बिहार में देखकर नहीं गए कि किस तरीके से वहां पर महंगाई और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हालांकि उस पर उनको ही वापस लपेटे में ले लिया गया, लेकिन 4 प्रमुख पॉइंट्स है जिसमें आप सबकी बातों का समावेश होता है, वो है गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और सिक्योरिटी। इन पर महत्वपूर्ण तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ही फोकस रहेगा और आने वाले 100 दिन में जो कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा इन सभी पर निवेश बढ़ाया जाएगा। अब किस तरीके से निवेश बढ़ाया जाएगा ये सुनिए, इकोनॉमी में निवेश बढ़ाया जाएगा तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा जोर देने वाले हैं जिसमें रेल रोड पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली है मोदी सरकार। ये पहले ही नितिन गडकरी की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया था कि जितने भी रेलवेज हैं, जितने भी पुल हैं, जितने भी सड़क का निर्माण है, हाईवेज हैं, उन पर बेहतरीन सड़कों का निर्माण किया जाएगा और सबसे ज्यादा पुश इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाएगा, ये इकोनॉमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डोमेस्टिक जो उत्पादकता है यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उसको और बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो हमारे मजदूर हैं, हमारे जो कामगार हैं, हमारे जो लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको अगर पुश दिया जाएगा तो लोगों की जेबों में पैसा आएगा। जो ग्रामीण स्तर पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो अपने हस्तकला और उसमें निपुण हैं, उनको खासतौर पर प्रधानमंत्री अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के दायरे में लाना चाहते हैं। अब फार्मा, एपीआई, टेक्सटाइल्स, ऑटो, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इन पर किस तरीके से जोर है इस बार के बजट में हमने देख ही लिया है। कैपिटल गुड्स जिसमें कि रेलवेज और डिफेंस आता है, डिफेंस आप कवर करती हैं, आप जानती हैं किस तरीके से लगातार पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने इसमें अपना जो है निवेश भी बढ़ाया और कैसे भारतीय सरहदों पर हमारे सैनिकों की जो संख्या है वो बढ़ी है और अत्याधुनिक जो हथियारों का इस्तेमाल है वो भी और ज्यादा बढ़ा है। अब कैपिटल गुड्स में रेलवेज और डिफेंस के अलावा आते हैं हाउसिंग, टूरिज्म और एविएशन। अब एविएशन किस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है और विस्तार इसका किया जा रहा है ये हम समझ सकते हैं उड़ानों की संख्या से। जब
भी हम जाते हैं किसी भी डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट लेने, तो सभी उड़ाने आजकल ज्यादातर फुल होती हैं। ये हम सबने इस ट्रैवल के दौरान भी महसूस किया होगा। किसी भी आप डोमेस्टिक फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट में सीट बुक करने की कोशिश करिए तो लगातार लोगों का जो जीवन का स्तर है वो बढ़ रहा है। लोग जो पहले फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते थे अब वो डोमेस्टिक में उड़ानों का सहारा लेते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है वो है कर्मयोगी टैलेंट बैंक। अब ये कर्मयोगी टैलेंट बैंक क्या है इसके बारे में एक बार विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को रेट किया जाए उनके प्रमोशन से पहले, यानी कि प्रमोशंस में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसे किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए और ये और ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो, ये प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है। गौरव, पीओके पे कुछ वैसा मैनिफेस्टो में तो नहीं है पर आपको लग रहा है कि कुछ होगा, कुछ हरकत होगी? तो अगर आप 2019 से 2024 को एक ट्रेलर के रूप में देखें, चाहे वो रक्षा की नीति हो या विदेश की नीति हो, तो 2024 के बाद अगर नरेंद्र मोदी सरकार आती है जिस तरह के सारे अनुमान हैं, तो आप जम्मू और कश्मीर में बहुत जबरदस्त परिवर्तन देखेंगे। 2019 में क्या हुआ था, जैसा चित्रा ने बताया, अनुच्छेद 370 हटा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक आमूलचूल परिवर्तन आया। अब क्या उसको नेक्स्ट लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाया जाएगा, वो है पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में से जो तुलना है, जम्मू और कश्मीर में कितना जबरदस्त विकास हो रहा है, वहां कितना निवेश हो रहा है, मध्य एशिया के देश वहां निवेश कर रहे हैं और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में खाने पीने के लाले पड़े हैं, वहां लोग मारे जा रहे हैं, वहां चीन का वर्चस्व बढ़ रहा है, खासतौर पर गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में, तो वो तुलना तो जरूर नजर आएगी। लेकिन 2019 अगर ट्रेलर थी तो असली फिल्म क्या होगी, ये तो पहले 100 दिनों में नहीं लेकिन अगले 5 वर्षों में जरूर नजर आएगा पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर को लेकर, जिस तरह से सेनाओं का वहां जमावड़ा भी है और विकास जिस तरह से हो रहा है। लेकिन जो बड़ी पिक्चर है, बड़ी पिक्चर G20 ट्रेलर था, भारत किस तरह से अंतरराष्ट्रीय पटल पर उभर कर आएगा। अगर आप मैनिफेस्टो को भी देखें, बीजेपी के संकल्प पत्र को, तो G20 के बाद हिंद प्रशांत महासागर में भारत की क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से अफ्रीकी देशों में भारत अपनी पैठ और ज्यादा बढ़ाएगा, चीन के चंगुल से विश्व को किस तरह से बचाना है उस पर किस तरह से भारत काम करेगा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत अपना प्रयास तेज करेगा। सवाल में ले लेती हूँ, ये पीओके से अपना पीछा पाकिस्तान क्यों छुड़ा रहा है? अभी कोर्ट में उसने कहा कि नहीं ये तो विदेशी जमीन है, उस पर भी दो लाइन आप बोल दें। देखिए, पाकिस्तान भूखे भजन ना हो गोपाला तो सब जानते हैं, तो जब पाकिस्तान के पास अपना पेट भरने का पैसा नहीं है तो वो जानता है आने वाले समय में अनरेस्ट और बढ़ेगा। चीन ने पाकिस्तान को इतनी डांट लगाई है कि आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए और आप टेररिज्म पे कंट्रोल कीजिए, वो पाकिस्तान से हो नहीं रहा है। तो अब चाहे पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर हो या बलूचिस्तान हो या सिंध हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, हर प्रोविंस में बहुत जबरदस्त समस्या है, गिलगित बाल्टिस्तान में समस्या है, तो अगले 5 वर्षों में पाकिस्तान की समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी और केवल संभवतः पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है वही एक सुरक्षित पाकिस्तान लग जाएगा। गर्म है और सही समय पर हथौड़ा मार दिया जाना चाहिए, उम्मीद तो इसी बात की है। वापस आना है एक्चुअली वो पंजाब, ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। हालांकि एक बार फिर डिस्क्लेमर के साथ कि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है।